guys. को उड़िया में क्या बोलते हैं? जोर से बोला। राबोड़ो। राबोड़ो, अच्छा। और राम को? हेलो गाइस, फिर से एक न्यू आप सबका स्वागत है। तो गाइस आज हम लोग आ चुके हैं कुड़ुक ब्लॉक रायगढ़ ओडिशा में। तो गाइस आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कुड़ुक का दशहरा। तो यहाँ पर किस तरह से होता है आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल से देखने को मिलेगा। तो पूरा आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल में तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छा वीडियो को भी लाइक करना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से दुकान वगैरह लगे हैं और यहाँ पर तो काफी सारे दुकान वगैरह आए हुए हैं। इस साइड पूरा मार्केट टाइप का पूरा लगा हुआ है। तो यहीं पर होने वाला दशहरा आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर अभी रावण और राम का दोनों ही तरफ का सेना आ चुका है और यहाँ पर अभी कुछ ही देर बाद चालू होने वाला है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से भीड़ लगा हुआ है और अभी देख सकते हो वहाँ पर राक्षस दल क्या कर रहे हैं आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पर किस तरह से भीड़ होगा वो तो आप लोगों को बाद में ही पता चलेगा। तो यहाँ पर भी रावण दहन करते हैं, आप लोग देख सकते हो सामने साइड रावण है। उनको उड़िया में क्या बोलते हैं? जोर से बोला। राबोड़ो। राबोड़ो, अच्छा। और राम को? लक्ष्मण। रखमोड़ो, अरे समझ नहीं आ रहा है लेकिन भाई ऐसा है ना। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से जो ना उड़िया में बोलते हैं। सभा में तुलसीदास महाराज की जय, वृंदावन कृष्ण की। धर्म को जानकर तेरा
आए हो। आंखों से देख ली धर्म भक्त तारी डूब नहीं मरते नाक कान के बिना अग्नि को निहार कर धर्म विचार ही तुमने क्षमा की थी। बकवास बकर बरे भुजाओं का तो दे जाओ लोकपाल चंद्र रूपी ग्लास का लेकर राहु है राहु। अरे दोस्त तुम्हारे कटक में मुझे कौन चौदा भी सकता है सत्य कहो। तुम्हारे प्रभु नारी के बिरह से बलहीन है उनके अनुज लक्ष्मण दुखी दुख बलहीन है। तुम अवार सुग्रीव दोनों नदी किनारे के वृक्ष हो आप ही आप नष्ट हो जाओगे। हमारे भ्रात भीमसेन और तपस पार्टी बदलना चाहता है चावामंत मंत्री और तो बूढ़ा हो चुका है वो क्या मुझसे युद्ध करेगा। आकर नगर को जलाया सत्य है सत्य ही तुम्हारा नगर वानर ने जलाया ऐसा छोटा कपी रावण का नगर जलाया ऐसा झूठ को कौन कहे सुने। तुमने जिसको महायोद्धा का सराहना की है वहाँ तो एक सुग्रीव का छोटा दूत है जो बहुत चलता है वहाँ वीर नहीं होते। तुमने सत्य कहा मुझे भी सुनकर क्रोध नहीं है हमारे कटक में ऐसा कोई नहीं जो तुमसे लड़कर शोभा पाओ। है रावण क्षेत्रीय जाति का क्रोध बड़ा होता है। धन्य है धन्य चाहता हूँ नाच जाकर नाचते हैं नाच कूद कर लोगों को रिझाते हैं अपने पति के निमित्त निपुण खर्च करते हैं। को जितने पताल में गया जिसे बालकों ने घुड़साला में बांध रखा बालक खेल में जाकर मारते थे तेरा मैं बाली ने कृपा कर उसे छुड़ाया। फिर एक शास्त्र बहु ने देखा जिसे जंतु के समान पकड़ लिया अवध कौतुक के लिए घर ले आए तो कुल सत्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। जिसके भुजाओं का बल कैलाश जानता है जिनकी सुनता शंकर जानता है रूपी को बल अपने हाथों से काट काट कर शंकर को चढ़ाया दिग्पाल मेरे हृदय की कठिनता जानते हैं जब जब मैं उसे बल कर फिरा हूं जिनके उस रावण को लघुता कहकर नरक बखान करता है। अरे नीच छोटा कपे मैं तेरा ज्ञान चला सुनो संतो। है पशुकंठ अभागे वह मनुष्य कैसा है है मोर वेदकाल मत मार राम के विमुख होने से यह हाल होगा कि राम के बाण लगने से वानरों के आगे भूमि में तेरे सिर गिर पड़ेंगे। जब ही युद्ध में रघुनाथ जी लोप करेंगे और बड़े बाण छोड़ेंगे तब तुम्हारा यह गांव जल सकता है ऐसा विचार उठार कर राम भजन करो भजन। जो तुम्हारे स्वामी समर में बहुत बड़े योद्धा है तो दूत बार बार क्यों भेजता है शत्रु से प्रति करने में लाज नहीं आती। करना चाहता है छोटे मुख से बड़ी बात करता है रूपी जंतु असंख्य रहते हैं मैं पाना फल खाते पैर ना लगाऊं पर क्या करूं प्रभु श्री राम का आज्ञा नहीं है। श्री राम भरो इस बंदर के पाँव पकड़ कर यहाँ से बाहर फेंको चाइना तक पहुंचना चाहिए।
बानर करते हो, इतने सारे भाषा खाकर क्या कर रहे हो? तुम सब रेस्ट हाउस में जाओ, मैं अब अकेला जाऊंगा। हाय रावण, मेरे चरण पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा। लोकपाल पर सेंट्रल
तुमने मारा, कुंभकर्ण त्रिशिरा इन सबको मारा, आज वो सब पैर निकालूंगा, इस रणभूमि से भाग कर नहीं जाओगे तो रावण के पाले पड़े हो। तेरा बेटा सत्य है, बकवास मत कर, मैं तेरा धिक्कार देखूंगा। क्या धिक्कार देखेगा, व्यक्ति लोग विजयी रावण, एक और रावण द्वितीय नाश दी ना भूतो ना भविष्य दे। Thank you.
Thank you.